गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें आपका पहला टॉपिक है फेस कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब देखिए, आइए डिफरेंस जान लेते हैं हमारे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर और नॉर्मल रेक्टिफायर में। देखिए, नॉर्मल रेक्टिफायर में क्या होता है, हम डायोड यूज़ करते हैं। जैसे आप सर्किट देख लीजिए, इसमें क्या है, ये आपका है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। नॉर्मल रेक्टिफायर में क्या होता है, हम एक डायोड यूज़ करते थे, उसके एक साइड एसी लगाते थे और अगले साइड हमें डीसी मिलता था। लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम क्या कर रहे हैं, थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए जब हम डायोड करते थे रेक्टिफायर में तो होता क्या था, वो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता था। इसमें क्या है, हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, आपके फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या है, हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब हम थायरिस्टर लगाते हैं तो होता क्या है, हम यहाँ पे इसको गेट सिग्नल देंगे तब ये आपका ऑन होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि डायोड में क्या है, कोई गेट सिग्नल नहीं होता है। वो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है वो ऑन हो जाता है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए, दो चीज़ होती है इसमें, पहला डायोड आर स्विच्ड बाय थायरिस्टर और SCR। जहाँ हम डायोड लगाते हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, थायरिस्टर यूज़ करते हैं या फिर SCR यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी क्या चीज़ है, हम अपने आउटपुट वोल्टेज को, जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो, उसको हम एडजस्ट करते हैं फायरिंग एंगल को एडजस्ट करके। जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, फायरिंग एंगल को एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं हम आउटपुट वोल्टेज को। आइए पहला आप देखते हैं फेस कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। ये देखिए आपका रेक्टिफायर का सर्किट है। यहाँ पे आपका सिंगल फेज एसी सप्लाई है, ये आपका थायरिस्टर है और ये आपका लोड है। इस कंडीशन में क्या है, ये आपका रेजिस्टिव लोड है। देखिए, नॉर्मल ये आपका एसी का है, जो VVI sin ωt है, ये आपका एसी का फेज है। देखिए, इसको अल्फा एंगल पे, जो आपका थायरिस्टर है उसको अल्फा एंगल पे गेट प्लस IG मिल रही है। यहाँ पे देखिए, आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम अल्फा एंगल पे गेट प्लस मिल रही है। देखिए, उस टाइम क्या होगा, जैसे ही आपको गेट पल्स मिलती है आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट होता है, आपका करंट II फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। II क्या है, इनपुट करंट है। यहाँ पे ये है आपका II इनपुट करंट और ये क्या है, V0 आउटपुट वोल्टेज। जैसे ही आपका, देखिए, थायरिस्टर को गेट पल्स मिलती है, देखिए अल्फा एंगल को हम वेरी करा सकते हैं, जैसे 0 से लेके 180 तक हम वेरी करा सकते हैं, उसी तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता रहेगा। दोनों में देखिए डिफरेंस यही है, आपके नॉर्मल रेक्टिफायर और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में डिफरेंस यही है, क्योंकि नॉर्मल रेक्टिफायर में डायोड यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, हम आपके वोल्टेज को वेरी नहीं करा सकते। जबकि इसमें फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या है, थायरिस्टर होता है, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो अल्फ़ा बाद में देंगे तो आपका वोल्टेज और इधर से स्टार्ट होगा। उसी तरह से करंट भी आपका, देखिए स्टार्टिंग में जैसे ही आपको अल्फ़ा एंगल मिलता है आपका करंट फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर से क्या होता है, फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसको जब फायरिंग एंगल मिलती है अल्फ़ा डिग्री पर, फिर से आपका वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है और उसी प्रकार आपका करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है।